नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किस तरह रील बनाते वक्त एक लड़की का मौत से हुआ सामना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको बताएंगे बुलेटिन में कि बॉलीवुड फिल्म स्त्री 2 ने जिस तरह से कमाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं, अब इस फिल्म की कहानी एक गांव के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। पूरी कहानी अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शहर ई रिक्शा की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रील्स का शौक जानलेवा साबित हो रहा है। हरिद्वार में गंगा नहर के किनारे एक लड़की रील बना रही थी और जैसे वो रेलिंग पर चढ़ी और उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। कैमरे पर ही मौत से उसका आमना सामना हुआ। रील के चक्कर में लड़की की जान पर बनाई। रील के चक्कर में लड़की गंगा में गिर गई। रील के चक्कर में वो तेज धार में बहते बहते बची। रील बनाने का चक्कर युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी ही एक वीडियो सामने आई है। 23 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रील बनाना जान पर भारी पड़ सकता है। देखिए, हरिद्वार में गंगा के किनारे ये लड़की बेहद स्टाइल के साथ शिवलिंग के सामने पहुंचती है। बैकग्राउंड पर गाना चल रहा है, वो शिवलिंग पर माथा झुकाती है। इस दौरान उसका एक साथी वीडियो बनाता रहता है, लेकिन फिर इस लड़की ने जो किया वो बेहद हैरान करने वाला था। ये लड़की लोहे के पाइप पर चढ़कर गंगा की तेज धार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसने जैसे ही रेलिंग पर पैर रखा उसका पैर फिसल गया। देखिए, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गंगा की तेज धार में गिर गई। उसके साथियों के मुंह से चीख निकल गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर नहीं पाया। देखिए, जैसे ही ये लड़की पानी में गिरी, इसके साथ खड़ी एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो तेजी से बहने लगी। पास ही खड़े लड़के ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। एक बार फिर देखिए कि कैसे हुआ ये पूरा हादसा, कैसे 23 मिनट में रील बनाने का फितूर खतरनाक हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर इस लड़की का क्या हुआ? क्या वो बच पाई या फिर वो गंगा की लहरों में समा गई? तो अब आगे देखिए क्या हुआ। गंगा में गिरने के बाद जब ये लड़की बहने लगी और इसके साथी इसे बचा नहीं पाए, तो इस लड़की ने पानी में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। देखिए, वो किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगी। अच्छी बात ये रही कि गंगा की धार ने इसे किनारे की तरफ पहुंचा दिया और इसने हाथों से रेलिंग में लगी चेन पकड़ ली। देखिए, कूदने के बाद से किनारे तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ। ये लड़की बच गई, लेकिन उसे काफी चोट आई। पिछले कुछ वक्त में हरिद्वार में रील बनाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके चक्कर में गंभीर हादसे भी हो रहे हैं। हरिद्वार में गंगा और उसके आसपास रील बनाने के चक्कर में कई बार हादसे हो जाते हैं, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील शेयर कर लाइक कमेंट पाने का जुनून लोगों के सिर चढ़कर इस कदर बोल रहा है कि लोग जान की बाजी भी लगा दे रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस की ओर से गंगा घाटों पर रील न बनाने और गहरे पानी से दूर रहने को लेकर चेतावनियों के बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के ये बैनर नाकाफी साबित हो रहे हैं। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि गंगा के किनारे रील ना बनाएं, लेकिन बावजूद इसके युवा मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले गाजियाबाद में चलती कार में स्टंट का वीडियो सामने आया था। एक लड़का कार में खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करता दिखाई दे रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और 22,000 का चालान काट दिया।
पुलकित शुक्ला के साथ अमित राणा, न्यूज 18। और आइए बात करते हैं स्त्री 2 फिल्म की। देखिए सिनेमाघरों में ये फिल्म बहुत पसंद की जा रही है, लेकिन इस फिल्म की कहानी की तरह कहानी एक गांव की बनी हुई है, जहां पर रहस्यमय तरीके से एक साल में कई लोगों की जान गई है। अंधविश्वास से जुड़ी ये इस गांव की कहानी है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश के सिनेमाघरों में स्त्री 2 फिल्म की चर्चा हो रही है। फिल्म को दर्शक पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह स्त्री 2 की कहानी में कई सालों बाद एक शहर में भूत की वापसी होती है, ठीक उसी तरह जौनपुर के गांव में चर्चाएं हो रही हैं कि एक साल के बाद गांव में एक पिशाच लौट आया है। गांव के लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। बताया जाता है कि गांव में पिशाच की अफवाह तब फैली जब करीब एक साल पहले एक सुनसान इलाके में गांव के 3 लोगों ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद गांव में अफवाह फैल गई कि पिशाच ने इन 3 की जान ली है। पिशाच के डर से गांव के लोगों ने पूजा पाठ करवाई, तंत्र मंत्र करवाया, जिसके बाद गांव में कई महीने तक कोई घटना नहीं हुई। लोगों को विश्वास हो गया कि गांव से पिशाच का साया हट गया है। लेकिन अब करीब एक साल बाद बेहद संदिग्ध हालत में एक घर से 14 साल की लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद गांव के लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक साल बाद गांव में पिशाच फिर से लौट आया है। क्या माना जाए, वो भूत पिशाच जो लोग बात करें वो लौट आया है क्या? नहीं, भूत पिशाच तो लौट आया ही है, इसमें लौटने का कारण है। लोग देखते हैं कहीं पेड़ जो है वो हिलता है, कहीं चिड़िया बोलती हैं, कहीं घर में जो है बर्तन खड़बड़ाता है। जी आप लोगों को ये आहट देखा नहीं? आप लोग क्या, हम लोग तो देख ही रहे हैं, हम लोग तो घर में हैं, हम लोग तो देख ही रहे हैं तबाहट। सुरिस गांव की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन आजकल यहां घरों में, चौराहों में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ भूत की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का तो ये तक कहना है कि अगर गांव को इन घटनाओं से फिर से मुक्ति दिलानी है तो फिर से तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करानी होगी। पहले 3 लोगों की फांसी लगने से मौत और अब 14 साल की लड़की की भी फांसी से मौत ने गांव के लोगों को सकते में ला दिया है। अब गांव में पिशाच की अफवाह जोरों पर है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि घरों में अचानक बर्तन बजने लगते हैं, पेड़ हिलने लगते हैं, अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, लिहाजा गांव में डर का माहौल है। जौनपुर के सुरिस गांव में भूतों के खौफ के साए में अब जीने को मजबूर हैं गांव के लोग। जी हां, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस घर में युवती की मौत फांसी लगाकर हुई है उसके परिजन और गांव के लोग यह बातें बताने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि इसी गांव में जो है एक साल पहले जो है 2 युवतियां समेत एक शख्स ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। एक एक कर हुई 3 लोगों की मौत के बाद अब जो है 4थी मौत युवती के खौफ पैदा कर दिया है। ग्रामीण और परिजनों की माने तो कहीं इस गांव में भूत का साया लौट तो नहीं आया है, जिसे लेकर ग्रामीण और परिजन दोनों दहशत के साए में जीने को मजबूर है। वह भी ऐसी दहशत जिसकी कल्पना आज की 21वीं सदी के युग में लोग आसानी से नहीं करते, लेकिन ग्रामीणों की माने तो जिनके सर पर यह घटना, जिनके घर पर यह घटना घट रही है, उन्हें सोचने पर, उन्हें दहशत में लाने पर मजबूर कर दिया है। गांव में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत की बातों को अफवाह बता रहे हैं। ये लोग उन लोगों को समझाने में जुटे हैं जो अंधविश्वास में पढ़कर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। लेकिन अंधविश्वास की इस कहानी ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। अब देखना ये है कि आखिर स्त्री 2 फिल्म की तरह से लोगों को कब डर से मुक्ति मिलती है। मनोज पटेल, न्यूज 18, जौनपुर।